Hi everyone, welcome back to Leetcoding. I am Faraz and I am an incoming SDE at CureFit. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में. तो हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड हम उन्हें कहां कहां से कर सकते हैं. तो ये कंप्लीट आपका इंटरव्यू के लिए तैयारी हो जाएगी DBMS की. सबसे पहली चीज़ कि DBMS के दो पार्ट हैं, एक आपका SQL और एक थ्योरेटिकल पार्ट. SQL के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो बेसिकली 60% आपको जो पोर्शन है वो आता है आपके SQL से, रेस्ट आपका जो 40% है वो आता है आपका थ्योरी से. अब SQL का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि SQL आपके फर्स्ट राउंड में भी पूछ ली जाती है, जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है उसमें भी SQL पूछ ली जाती है. बाकी जो आपके टेक्निकल राउंड्स हैं उसमें बोथ SQL एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है. तो आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एन एंटायर ह्यूज बुक टू रीड और गिविंग यू एन एंटायर प्लेलिस्ट, आई हैव डिवाइडेड दिस इंटू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस मैंने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, जो भी बेस्ट रिसोर्सेज हैं जो मैंने अपने टाइम पे पढ़े थे. तो उनको ढूंढने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई एंड फिर मैंने अपनी हार्ड डिस्क में देखा तो वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट्स सेव करे हुए थे, तो वहाँ से मुझे स्क्रीनशॉट्स मिल गए एंड उनकी फिर मैंने लिंक्स निकाल ली हैं. तो सारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ से करना है, कौन सा टॉपिक किस जगह से करना है. तो आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट कर देना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इंटरव्यूज़ की. बाकी मैं DSE की एक शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की पूरी तैयारी हो जाएगी, बट उसके लिए थोड़ा सा रुको, जरा सबर करो. तो आज चैलेंज का 9th डे है एंड अपनी अपडेट जरूर कमेंट्स में जाके मेंशन कर देना. ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस एंड हमें कहाँ से क्या चीज़ करनी है. तो फर्स्ट जो है हमारा वो है व्हाई डू वी नीड DBMS, बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन एंड उसके लिए मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है. देन फाइल मैनेजमेंट वर्सेज DBMS, तो आई थिंक इसमें मैंने जेनी मैम की लिंक प्रोवाइड कराई है, वो भी काफ़ी उन्होंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ से. फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल. अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है आपसे कभी कभी, आपको ER मॉडल दिया जाता है उससे आपको टेबल्स में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसकी कन्वर्जन की प्रॉपर वीडियो है. ठीक है, तो ये सारी की सारी वीडियोज़ जो मेंशन है ये आपकी 20 या 25 मिनट की वीडियोज़ होंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें आपको देखने के लिए, वैसे भी आप लोग 1.5 या फिर 1.75x पे देखते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं, SQL इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज्ड, ये सारा हमने कर लिया है ऑलरेडी कर लिया है, जॉइंस ये सब कर चुके हैं. व्यूज एंड इंडेक्सिंग, इनके लिए मैंने दो बहुत ही बढ़िया रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग जरूर इन वीडियोज़ को जाके देखना, मज़ा आ जाएगा देख के. फिर इंडेक्सिंग की थ्योरी करने के लिए थोड़ा सा आप संचित जैन पे रेफर कर सकते हैं, उनकी वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छी हैं. देन नॉर्मलाइजेशन, अगेन संचित जैन. ट्रांजैक्शन, एसेट प्रॉपर्टीज़, ये सारी इसमें मैंने एक छोटी सी प्लेलिस्ट दे दी है आपको, उसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं एंड वहीं से मैंने किया था, बहुत अच्छे से कवर हो गया था वो. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑन सेवरल रिसोर्सेज आप लोग वहाँ से जाके कर लेंगे तो प्रॉपर्ली हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, SQL वर्सेज नो SQL, बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं वीडियो वहाँ से. फिर डेडलॉक्स इन DBMS, डेडलॉक्स इन स्टार्वेशन, ये थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल हो जाता है, कम पूछा जाता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप लोग ये वीडियोस दो देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं ये, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे टॉपिक्स. ठीक है, उसके बाद हमारे ये तीन क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ऑन व्हाट डेटाबेस टू यूज़, एक आपको बता दिया जाएगा कि सिचुएशन में कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए. आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया होगा तो पूछ सकते हैं कि आपने ये डेटाबेस क्यों यूज़ किया, वो क्यों नहीं यूज़ किया, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने होंगे खुद ही. यहाँ पर मैं कितना मेंशन करूँगा ठीक है वो कवर नहीं हो पाएगा फिर भी, तो ये जो हैं क्वेश्चंस ये आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लेना, खुद इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग कर लेना. बाकी फिर आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आपको एक ये रिसोर्स दिया हुआ है, ये है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय प्रेप इंस्टा, और दूसरा रिसोर्स है हमारा गीक्स और गीक्स का लास्ट मिनट नोट्स फॉर DBMS. इन दोनों में से सिर्फ एक रिसोर्स फॉलो करना है, ठीक है, कोई सा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. तो आई वुड से कि थोड़ा सा इंटरफेस इनका अच्छा है, प्रेप इंस्टा का अच्छा है, बाकी आप देख सकते हैं दोनों में से एक फॉलो कर लेना. इससे क्या होगा कि आपका जो भी कुछ रह जाता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरी थ्योरी अच्छे से आ जाएगी. अब जब आपने पूरी थ्योरी कर ही ली है तो क्यों ना कुछ क्वेश्चंस करे जाए उनको वेरीफाई करने के लिए कि आपने सब कुछ किया है या नहीं. तो आप जा सकते हैं गीक्स और गीक्स के कॉमनली आस्क क्वेश्चंस इन DBMS पे एंड वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये तो रहा आपका शॉर्ट टर्म प्लान, अगर आप करना चाहो तो आपका एक दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा, दो दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा और तीन दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा. बट आई वुड से कि दो तीन दिन में इसको कंप्लीट करना एंड इसको दो तीन बार कर लेना ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं. ठीक है, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दिन में भी दो दो तीन तीन घंटे देंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से तीन दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. अब एक बहुत अच्छा रिसोर्स जिसके बारे में मैंने अभी बात नहीं की है वो है हमारा सिस्टम डिज़ाइन प्रीमियर बाय डॉन मार्टिन.
ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, सारे के सारे एडवांस एडवांस क्वेश्चंस आपके इससे हैंडल हो जाएंगे, बट ये आपको रीड करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास टाइम है इसको रीड करने का देन यू कैन गो फॉर दिस, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो हमने रिसोर्स बताए उसी से काम चला लेना। तो कुछ जो स्टार्टअप्स आते हैं जो कि पूरा इनडेप्थ घुस जाते हैं DBMS में, उनको टैकल करने के लिए फिर आपके पास ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। अगर टाइम नहीं है तो फिर ऊपर वाले रिसोर्सेज फॉलो कर लेना, लेकिन अगर टाइम है तो ये वाला रिसोर्स जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप रीड कर सकते हैं एंड अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। तो ऐसी और वीडियोज और टॉपिक्स पे आपके पास आती रहेंगी, बट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा देना एंड लीव योर लाइक्स। थैंक यू।